तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है निमोनिया। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, है ना। लंग पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन है, उससे क्या होगा, एल्वेलाई टू बी फिल्ड विद इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स एंड यूजुअली रिजल्ट इन द कंसोलिडेशन या सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो लंग पैरेन्काइमा है या फिर लंग्स की जो एल्वेलाई है वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स भरने लगेगा और उससे कंसोलिडेशन हो जाएगा या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग हो जाएगा। ठीक है, फिर इटियोलॉजी पे आते हैं कि निमोनिया किस किस वजह से होता है। तो देखते हैं, फैक्टर फेवर डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया। ठीक है, या तो जो होस्ट है उसका सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम हो जाए या फिर उसकी लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें कुछ इंपेयरमेंट आ जाए। सबसे पहले सिस्टमिक रेजिस्टेंस किस किस में कम हो सकता है, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर, इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, ट्रीटमेंट विद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए। ल्यूकोपेनिया WBC का नंबर कम है, तो ये सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। फिर इंपेयर्ड लोकल डिफेंस मैकेनिज्म, जो लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन को आने से रोक रही थी, इन्फेक्शन को होने से रोक रही थी, बैक्टीरिया वगैरह आ रहे थे, तो उन सब में लॉस है, जैसे कि लॉस एंड सप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इंजरी टू म्यूकोसिलेरी एपरेटस, म्यूकोसिलेरी एपरेटस वही होता है कि जो बाहर की तरफ फेंकता है चीज़ों को, है ना, मतलब कि म्यूकस को फ्लो कराता है, तो उसमें फेल हो जाए। एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन का एक्यूमुलेशन होने लगे। इंटरफेयर विद फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ मैक्रोफेज या फिर पल्मोनरी कंजेशन एडिमा। तो ये सारे जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिससे निमोनिया हो सकता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री या फिर कैसे आ सकता है ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ सकता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड से आ सकता है, लोकल स्प्रेड से आ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ जो बड़ी बात नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर। तो इसमें वही अल्कोहल स्मोकिंग एक, तो और कोई भी फैक्टर जैसे सिलेरी एक्शन कम हो, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया, कोमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिकटेसिस या फिर कार्टेग्नर सिंड्रोम जिसमें साइनोसाइटिस, साइटिस इनवर्सस और ब्रोंकिकटेसिस का ये ट्रायड होता है कार्टेग्नर सिंड्रोम का। तो इन सब वजह से जो सिलेरी एक्शन है वो कम होता है और उससे निमोनिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। तो इसको दो टाइप से डिवाइड किया, एक तो टिपिकल एटिपिकल में इस वाले क्लासिफिकेशन में किया गया और एक लोअर लोबुलर में किया गया। तो टिपिकल एटिपिकल वाला पढ़ते हैं। तो इसमें इन्फ्लेमेशन किस में होगा, एल्वेलाई में। टिपिकल में, एटिपिकल में होता है इंटरस्टीशियम और एल्वेलर सेप्टम में होता है। ठीक है, टिपिकल में स्पूटम प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और एटिपिकल में स्पूटम प्रोडक्शन लेस रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है लोबर और लोबुलर, जो मेन क्लासिफिकेशन है। तो जो लोबर है, ए पार्ट एंड होल लोब ऑफ लंग इज इफेक्टेड, इसमें या तो एक पार्ट या फिर एक पूरा लोब इफेक्टेड रहेगा, है ना, यूनिलोबुलर होता है मेनली। और जबकि ब्रोंकोपल्मोनरी या लोबुलर निमोनिया जो है पैची इन्फ्लेमेशन देखेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ लंग होगा, है ना, मतलब बहुत सारे पैची, मतलब छोटे छोटे, या इसमें पूरा एक एरिया इन्वॉल्व हो रहा था, इससे पैची छोटे छोटे से पैचेस दिख रहे हैं और मल्टी लोबुलर होगा ज़्यादा, है ना, और सीवियर होता ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में ये लोबर है, तो सिर्फ इसने लोअर लोब यहाँ इसको इफेक्ट किया, इसने ब्रोंको निमोनिया पैचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजी या फिर स्टेजेस ऑफ निमोनिया। ये लोबर में दिखती है, लोबुलर में नहीं, मतलब लोबर में मेनली दिखती है। ठीक है, तो इसमें चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज का नाम है कंजेशन। ठीक है, तो कंजेशन में क्या होता है कि लंग इज़ हैवी, बॉगी एंड रेड। अभी इन्फेक्शन हुआ है तो जो इन्फ्लेमेटरी फिल्ट्रेट था, एक्सुडेट था, वो इधर पर आना चालू हो गया, है ना, और उस वजह से क्या होगा, डायलेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरी हो जाएगा। ठीक है, एक तो लंग हैवी बॉगी रेड देखेगा, डायलेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में क्या देखेगा, एयर स्पेसेस इन एविलेबली इज फिल्ड विथ फ्यू ईसोनोफिलिक फ्लूड विथ फ्यू न्यूट्रोफिल रेड सेल एंड न्यूमरस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये अपन को देखेगा क्रॉस सेक्शन में, देखेगा माइक्रोस्कोपी में देखेगा। ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हैं अपन, ये लंग का एल्वेलाई का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो कंजेस्टेड है। ठीक है, डायलेटेड कैपिलरी है ना, कंजेस्टेड भी है, डायलेटेड भी है, और यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर न्यूट्रोफिल भरा हुआ है, एक्सुडेट है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हो गया, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये सारे फीचर ये वाला डायग्राम आसान है, बना सकते हैं आराम से। पहली स्टेज हो गई, फिर आते नेक्स्ट दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज है रेड हेपेटाइजेशन। इसमें क्या होगा, लोब अपीयर डिस्टिंक्टली रेड एंड फर्म एंड एयरलेस। ठीक है, रेड फर्म एंड एयरलेस देखेंगे, तो जो लोब्स हैं वो रेड देखेंगे। फर्म मतलब पहले जो लंग्स है वो सॉफ्ट दिखती है ना, वो हार्ड दिखने लगी। ठीक है, थोड़ा हार्ड फील होगी। फिर फर्म कंसिस्टेंसी ऑफ लोब रिजेंबल विद द लीवर, सो दैट्स वाई टर्म्ड एज रेड हेपेटाइजेशन। तो इसकी जो फर्मनेस है, सॉलिडनेस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लीवर को कर रही है, तो हेपेटाइजेशन बोलते हैं इसको, रेड हेपेटाइजेशन। ठीक है, और इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो एल्वेलाई, सो एक्सुडेट। ठीक है, एक्सुडेट देखेगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल, RBC, फाइब्रिन इन एल्वेलाई, ये सब पहले भी देख रहे थे, बस इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, कंजेस्टेड डायलेटेड कैपिलरीज तो है ही, न्यूमरस न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और बढ़ा दो, एक्सुडेट का नंबर भी बढ़ा दो और RBC का भी नंबर बढ़ा दो, सबको ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया थे वो इसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम ईजी है, एल्वेलाई बनाओ और उसके बाद ये सारी चीज़ें भर दो। ठीक है, तो ये हो गया रेड हेपेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज में आते ग्रे हेपेटाइजेशन।
तो अब ग्रे हेपेटाइटिस में क्या होगा, इफेक्टेड लोब ग्रेजुअली लूजेज इट्स रेड कलर एंड अज्यूम्स ग्रे अपियरेंस। तो जो अब रेड कलर था रेड हेपेटाइटिस में, अब वो धीरे धीरे जाता जाएगा, क्यों जाएगा, जो आरबीसी है वो यहाँ से जाती जा रही है, तो उसकी वजह से जो कलर है वो ग्रे दिखने लगेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी है ना, आरबीसी टूटेंगी, फाइब्रोसेपोरेटिव एक्जुडेट इन एल्वेलाई इन विच न्यूट्रोफिल रिप्लेस्ड बाई मैक्रोफेज। जो न्यूट्रोफिल थी एक्जुडेट में, मतलब एक्जुडेट भी था न्यूट्रोफिल भी थी, तो न्यूट्रोफिल रिप्लेस हो जाएगा कैसे, मैक्रोफेज से, ठीक है। कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेज ब्राउन हो जाएगा। तो हुआ क्या, आरबीसी जा चुकी हैं, न्यूट्रोफिल को रिप्लेस कर दिया मैक्रोफेज ने, कलर जो इसका ग्रेज ब्राउन दिखने लगा है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखो, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि क्लियर स्पेस देख रही है एल्वेलाई और एक्जुडेट के बीच में, ठीक है, एक तो ये चेंज है, और न्यूट्रोफिल को मैक्रोफेज ने रिप्लेस कर दिया है, और फाइब्रिन थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो ठीक है, पुराने डायग्राम में थोड़ा इसमें अंतर कर देना, मैक्रोफेज बना देना, फाइब्रिन थ्रेड बना देना, और ये ऐसे डायग्राम बना देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी डायग्राम इजी बना सकते हैं। फिर अपनी लास्ट स्टेज आती है रिजोल्यूशन। तो अब इसमें क्या होगा, लिक्विफैक्शन ऑफ प्रीवियसली सॉलिड फाइब्रिनस एक्जुडेट। जो पहले जो अपना सॉलिड फाइब्रिनस एक्जुडेट था, अब उसका लिक्विफैक्शन होगा। लिक्विफैक्शन कैसे होगा, जो एक्जुडेट था उसको एंजाइम तोड़ देगा, ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, ग्रैनुलर सेमीफ्लूइड डेब्रिस बन जाएगा, ठीक है। जो ग्रैनुलर सेमीफ्लूइड डेब्रिस बना वो रिजॉर्ब, रीअब्सॉर्ब मतलब कि यहाँ से जाने लगेगा, यहाँ से कैसे जाएगा, या तो अपन डाइजेशन कर रहे थे मैक्रोफेज से, ठीक है, और एक्सपेक्टोरेटेड हो सकता है, मतलब लंग्स से माउथ, मतलब ऐसे माउथ से एक्सपेल हो जाएगा ना कफ के थ्रू, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेटेड हो सकता है, और ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है ना, जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ है वहाँ पर हो जाएगी और उसको ऑर्गेनाइज्ड कर देगी, ठीक है। तो ये हो सकता है रिजोल्यूशन, थोड़ा तीनों से थोड़ा मतलब टफ है, बाकी इसको कर लेना, सिर्फ फ्लोचार्ट इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट इसका डायग्राम देखेंगे, तो ये देखो एंजाइमेटिक डाइजेशन है, तो पूरा सब धुंधला धुंधला हो गया, ग्रैनुलर एंड सेमी फ्लूइड डेब्रिस दिख रहा है, कैपिलरीज नॉर्मल हो गए, ठीक है। तो ये है निमोनिया की चार स्टेजेस, तो ये करनी है अपन को, डायग्राम भी और ये भी। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस में। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले आता है लंग्स एब्सिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नेक्रोसिस होगी, तो लंग एब्सिस देखेगा, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी तक इन्फेक्शन पहुंच गया, तो प्लूराइटिस करा सकता है, एम्पाइमा करा सकता है, प्लूरल इफ्यूजन करा सकता है। एम्पाइमा क्या होता है, इंट्रल प्लूरल फाइब्रिनो सपोरेटिव रिएक्शन होती है ना एम्पाइमा, ठीक है, एम्पाइमा करा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है बैक्टेरियमिक डिसेमिनेशन, इट कॉज बैक्टीरिया है ना, बैक्टेरियमिक डिसेमिनेशन मतलब कि बैक्टीरिया अब यहाँ से और दूसरी जगह चला जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन करा सकता है, जैसे हार्ट वॉल में चला गया तो एंडोकार्डाइटिस करा देगा, ठीक है, पेरिकार्डियम में चला गया तो पेरिकार्डियटाइस करा देगा, मेनिंजाइटिस में चला गया मेनिंजाइटिस करा देगा, जॉइंट में चला गया तो सपोरेटिव अर्थराइटिस करा देगा, या किडनी स्प्लीन में चला गया तो वहाँ पर एब्सेस करा देगा, ठीक है। तो ये है इसके कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर हो जाएगा, चिल्स कफ विथ म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम, ठीक है, ये सारे सिम्टम देखेंगे। फाइब्रिनो सपोरेटिव प्लूराइटिक प्लूराइटिस कॉज प्लूराइटिक पेन, प्लूराइटिक पेन हो सकता है। रेडियोग्राफी में इन्वॉल्व लोब अपियर्स रेडियो ओपेक इन लोअर निमोनिया एंड फोकल ओपेसिटीज इन ब्रोंको निमोनिया। फोकल ओपेसिटी मतलब छोटे छोटे से हो रहे थे ना, मतलब अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में हो रहे, मतलब अलग अलग लंग्स में अलग अलग दिख रहे थे फोकस, ठीक है, और जबकि इसमें एक लोब इन्वॉल्व था तो रेडियो ओपेक दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये इसके डिफरेंस में, तो ये डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो ये था निमोनिया में, थैंक यू।